कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। मॉर्निंग का हो गया है ना और हम लेटे हैं गाइस। मुझे नींद नहीं आती बिल्कुल। सुबह थोड़ी बहुत आई भी थी फिर चली गई। क्यों चली गई? आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। सारे पूरे शरीर में दर्द है, बुखार सा लग रहा है। जिस चीज से मैं भाग रही हूँ वही चीज मेरे आस पास घूम रही है। जिस चीज को लेके मैं परेशान हूँ, सोचू ना याद ना करूँ, वही चीज घूम फिरा के मेरे पास आती है। बहुत परेशान हूँ गाइस। बीमार होती थी, बुखार आता था जैसे, या कुछ हुआ तो बाबू शोर नहीं मचाते थे। चुपके से उठ के पूरे घर में झाड़ू लगा देते थे। आज वही मुझे याद आया कि झाड़ू लगा रहे हैं। सर बहुत दुख रहा है, बुखार है। चलिए फिर थोड़ी देर में मिलूंगी। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो गाइस चाय हम लोगों ने पी लिया है और अब जा रहे हैं खाने का इंतज़ाम करने। और आज मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है, देख सकते हो बहुत ज़्यादा। ये एरिया इतना स्वेलिंग है ये। थोड़ी देर धूप में बैठते हैं फिर खाने का इंतज़ाम करते हैं। क्या मुझे ठंड लग रही है, पूरा फेस ये सब स्वेलिंग है। ये देखो गाइस, गोलगप्पे खाए जा रहे हैं चोरी चोरी से, है? अनिका खा रही है। खा ले लड़कियों, हम देख रहे हैं। अनिका क्या बनेगा? कद्दू। छत पे इसको ले चलो। गाइस ये बच्चों के ना शूज वगैरह इतने कम सस्ते वाले लाने वाले होते हैं, महंगे लेके आओगे ये छूट ही जाते हैं। चिपक ना रहे हैं, टपकाओ उधर बोलो, उस पे फूल पे गिराओ, पर थोड़ी देर पकड़ना पड़ता है ना ये। तब अच्छा अच्छा वाला होएगा तो है तो ये वही तो वाला। अच्छे वाले होते हैं। पकड़ नहीं रहा ऊपर चिपकी, ऊपर ना चिपक रहा। वो लगोन इस धूप से आके फिर नीचे अनिका की ये सोच के फ्लावर जितने भी लगे थे इसने सारे तोड़ डाले, तो अच्छा नहीं लग रहा था। एक दोनों के दोनों निकाल दिए थे और नीचे से इसका सोच निकल फट रहा था। तो नीचे का तो हमने जोड़ दिया, अनिका से बोला जाके बाहर से थोड़ी सी मिट्टी ला दो, तो मिट्टी भर देंगे तो जल्दी से पकड़ लेता है। लेकिन ऊपर के जो फूल है ना वो नहीं चिपके, तो हमने क्या किया, जो डबल टेप होता है उसको लगा के फूलों को चिपका दिया डबल टेप से। और क्या करते, और वैसे अनिका के पास शूज़ जूती वगैरह बहुत सारी हैं, स्लीपर वगैरह, लेकिन कि क्या करती है, कुछ दिन तक पहनती है फिर उसको या तो तोड़ फोड़ देगी या तो उन्हें पहनेगी ही नहीं, यही करती है। तो ये मुझे वहाँ से मिट्टी ला के दी है, मिट्टी भर दूंगी तब ये सही हो जाएंगे। तो आगे का ब्लॉग प्लीज़ ज़रूर देखना, और न्यू आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, अभी बने रहिए। बिट्टू पत्ते उठा ला हेलो दो। गाइस, आज हमारे वहाँ बनने जा रहा है अच्छा जाओ पत्ते उठा के ला मूली के। कद्दू जाओ कद्दू बनाती हूँ और दिखाती हूँ। ले रहा है।
तो गाइज यहाँ पे अनिका मेरे लिए बैठने के लिए लेके आई, अपने लिए भी बैठने के लिए लेके आई। मैं यहाँ पे कद्दू कट कर रही हूँ, वो सीख रही है मैं कद्दू कट कैसे करती हूँ। तो यहाँ पे, और गाइज मैंने सबको बता दिया है कि देवर हमारे हमसे नहीं बोलते हैं, ना मेरी बेटी से बोलते हैं, लेकिन फिर भी सभी लोग यही बोलते रहते हैं कि आपके देवर आपसे नहीं बोलते तो अनिका से तो बोलते ही होंगे, वो तो उसके भाई की बेटी है। तो आप अभी खुद से खुद देख लेना, मेरी मत तो मानो, गाइस हम आप बना खुद से रहे हैं यहाँ देख पे लेना। मूली का साग। पानी तो नहीं पड़ गया? नहीं सारे पानी गिर गया पड़ गए होंगे तभी हैं। तो। तो मैंने इसमें लहसुन डाला है, मिर्च डाले हैं सूखे, और मेथी के मेथी दाने। के दाने कुछ डाले हैं। ये रहा सरसों, अरे यार बाल ये बाल रहा कौन मूली से? का साग, तो इसको हम डालते हैं। ये देखिए बहुत टेस्टी लगने वाला है, इसीलिए हम मूली ये पत्ते के साथ में लेके आए थे कि हम बनाएंगे मूली का साग, है ना। और बनाएंगे हम कद्दू की भी सब्जी, क्योंकि अनिका मूली का साग खाएंगी नहीं, बहुत कम खाती है, तो हम कद्दू भी बना लेंगे। हल्का नमक डालेंगे क्योंकि ये कम हो जाएगा। टाइम हो गया, 11:30 बज गया है, दो दो सब्जियां भी बनानी है मुझे। और मैं चली नहाने गाइस, मैं नहाने जा रही हूँ। पूजा नहा के क्या करेगी? नहा के क्या करेंगे? मत नहा, नहा के थोड़ा सा ना फ्रेश फ्रेश लगता है। ये देखो मेरा साग कैसा लग रहा है आप लोगों को, बस इसको भून लेना है, बस अच्छे से ये पक गया है। ये देखिए बस भूनना है, बस भूनने में जितना समय लगता है 5-10 मिनट, उसके बाद ही हो जाएगा तैयार। हमारा ये साग बन गया मूली का, अब हम इसको निकाल लेते हैं, फिर कद्दू की सब्जी इसमें छौंक देते हैं। तो मूली का साग बन गया, उधर मैं कद्दू बनाने जा रही थी। तो मैं वही चीज़ कह रही हूँ, मैं बराबर बताती हूँ, लेकिन शायद आप फुल वीडियो वॉच नहीं करते हैं, अधूरा छोड़ के जाएंगे तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आप जो न्यू हैं या पुराने हैं, तो जब तक फुल वीडियो वॉच नहीं करेंगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो प्लीज़ फुल वीडियो वॉच किया करो, हमें बार बार एक बात ना बतानी पड़े कि मेरे बच्चे से कोई नहीं बोलता है या हमसे नहीं बोलता है ना। तो अभी आप लोग खुद देख लेना कि उसके चाचू उसको पलट के देखते हैं कि नहीं देखते हैं। अभी वो काफ़ी टाइम तक बाहर रहेगी और आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा जब आप एंड तक देखोगे तभी। और तो यहाँ पे अनिका आ गई, और चलिए फिर हम कद्दू को मैंने छौंक दिया है। और ये पहले की नमकीन रखी हुई थी, तो मैंने अनिका से कहा इसको जाके फेंक दो जाके बेटा, और डिब्बा मैं क्लीन कर लूँ। पूजा झाड़ू कर रही हैं, और तबीयत ठीक खराब थी, फिर ठीक हुई थोड़ी। तो तबीयत ठीक हो या ना ठीक हो करना तो पड़ता है ना बच्चे के लिए। और पूजा उधर का काम कर रही थी, तो मैंने कहा फटाफट बना लेती हूँ। दवाई मैंने खा लिया था चाय के साथ में ही, कि जो भी है दर्द और बुखार सर दर्द हो रहा था तो चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं डबल डबल रोटियाँ सेक लूँगी फटाफट, क्योंकि अनिका को भूख भी लग गया है, और वो अभी शायद नमकीन मैंने दिया था उनको डिब्बे, वो उससे नमकीन ही नहीं निकाल पाई क्योंकि वो कह रही थी उसमें जम गई है ना, नीचे रखे रखे सीलन में तो नीचे से लग गई होगी, तो वो उसको निकालने में पड़ी होगी। और बहुत चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि जितना भी यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बच भी गया तो मैं यहीं जो छोड़ के चली गई, तो वो यहाँ पे रखे रखे ख़राब हो जाता है। और यही चीज़ें हैं, तो ख़राब नुकसान होता ही रहता है कुछ ना कुछ चीज़ों का। तो चलिए फिर हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस एक साइड हम कद्दू बना रहे हैं और एक साइड बन रही है हमारी रोटियां। अभी कद्दू में पकने में टाइम है, क्योंकि एक टाइम में बन जाता है, दोनों टाइम चल जाता है, कोई इतना खाता है नहीं, तभी मैंने कहा कद्दू और साग दोनों चीजें बना लेती हूँ साथ ही साथ, है ना, क्योंकि हरी सब्जी फिर सूखने लग जाती। पालक मेरी पूरी सूख गई घर से लेके आई थी,
बनी ही नहीं, पालक की दाल हमें पसंद नहीं है इसलिए। तो चलिए फिर रोटी बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं गाइस, ठीक है। Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get alive. मजे की बात बताएं, ये खाना खा रही थी और खाना सब्जी हमने बनाई, जैसे आप लोगों ने देखा कद्दू की सब्जी बनाई, तो ये खा रही थी, इनका दांत टूट गया खाते खाते। मुझसे कह रही मम्मा सब्जी में कंकड़ है और रोटी में कंकड़ है, कट 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 की आवाज़ आ रही थी मुझे भी। तो मैंने तो सच में यार सब्जी में कंकड़ कहाँ से आ जाएगा, देखा इनका दांत टूट गया। और तो ये प्याज निकालती है, कहती मम्मा देखो ये मेरा दांत है। गाइस प्याज को दांत बता रही हूँ, दांत ये देखो धुला गया है, दांत मिल गया, इनके सारे दांत टूटे जा रहे हैं, दिखाते हैं आप। ये देखिए गाइस खाने के साथ में दांत टूट गया, कितना छोटू सा है ना। मेरे ये दिखा दिए दो, तीन होल देख ये नीचे की टूट गए। आ करो ऐसे, ये नहीं ऐसे करो, ऐसे बंद करो। ये देखो गाइस दो और टूट गए इनके दांत, यही दांत है, उठाओ इसे मम्मी मैंने। तो गाइस अनिका नीचे अपना दांत लेके आई है, मैंने कहा था नीचे जाके मिट्टी में छुपा दो और गॉड जी से बोल दो जाके दांत पुराना ले लो नया दे दो। तो ये देखो अनिका के जो ये बाबा, ये पड़ोस में रहते हैं, घर के बगल में ये घर है, तो अनिका बाबा बोलती है तो वो अनिका की हेल्प करेंगे दांत को उसको ज़मीन में लगाने में, कह रहे थे पानी लिया। और वो कुर्सी पे आप लोग देख सकते हो ये इसके चाचू बैठे हुए हैं, लेकिन अनिका से उन्होंने एक बार भी नहीं बोला, अनिका की तरफ एक बार भी पलट के भी नहीं देखा। वो काफ़ी टाइम तक वहाँ पे रहती है, लेकिन उसके बाबा ने उसकी मदद की दांत लगवाने में ज़मीन में। और तो और ये देखो खड़ी है, काफ़ी देर तक खड़ी भी रहती लेकिन उससे कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो देख लिया आप लोगों ने। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।